तोहार दुल्हा हो तोहार दुल्हा, हाँ तोहार दुल्हा सावर सावर सुरतिया, तोहार दुल्हा सावर सावर सुरतिया हर दुल्हा। गोरे गोरे लखन गोरे गोरे लखन रंगदार दुल्हा हो तोहार दुल्हा, हाँ तोहार दुल्हा सावर सावर सुरतिया, तोहार दुल्हा सावर सावर सुरतिया, तोहार दुल्हा सावर सावर सुरतिया, तोहार दुल्हा। केहू हाथी चढ़ल केहू घोड़ा चढ़ल, केहू हाथी चढ़ल केहू घोड़ा चढ़ल, केहू ऊंट पे सवार बरियाती चलल, केहू ऊंट पे सवार बरियाती चलल, केहू हाथी चढ़ल केहू घोड़ा चढ़ल, केहू ऊंट पे सवार बरियाती चलल। फूल बरसेला हो फूल बरसे लबन के फुहार दुल्हा हो तोहार दुल्हा, हाँ तोहार दुल्हा सावर सावर सुरतिया, तोहार दुल्हा सावर सावर सुरतिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और आप देख रहे हैं आज तक की यह विशेष पेशकश अयोध्या से, जहां राम जन्मभूमि के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और उसके बाद अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया। जिन साधु संतों ने राम मंदिर को बनाने के लिए इतना लंबा आंदोलन चलाया, जिन साधु संतों ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का रास्ता साफ करने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, उन तमाम साधु संतों को हमने कोशिश की कि एक मंच पर लाया जाए, उनसे बातचीत की जाए, उनसे पूछा जाए कि राम मंदिर कब बनेगा, अब राम मंदिर का रास्ता आगे क्या होगा, अब राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या के विकास का रोड मैप अब क्या होगा। तो आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, उनमें से केवल तीन परिचय अभी मैं आपके साथ करवा रहा हूं, उसके बाद तमाम मेहमानों से जैसे जैसे बात करेंगे उनका परिचय आपसे कराएंगे। रामविलास वेदांती हमारे साथ हैं, स्वागत है वेदांती जी आपका। हमारे साथ आचार्य सत्येंद्र दास हैं, जो कि राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी हैं, और हमारे साथ जगत गुरु परमहंस महाराज हैं। आप तीनों से बातचीत करेंगे, इसके अलावा और बहुत से साधु संत जिनसे आप पहले भी रूबरू होते रहे आज तक पर भी, तमाम मीडिया के जरिए भी, और जो राम मंदिर को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते रहे उनसे भी बात करेंगे। रामविलास वेदांती जी, आप कुछ ही देर के लिए हमारे साथ हैं, तो मैं कुछ सवाल जल्दी जल्दी आपसे करना चाहता हूं। अब राम मंदिर का रास्ता आगे क्या होगा, ट्रस्ट बनेगा, ये बात तो सबको पता लग गई, कोर्ट ने कहा कि 90 दिन के भीतर ट्रस्ट बना लीजिए। यहीं अयोध्या में हम कई दिन से हैं, अब लोगों में इस बात को लेकर सुगबुगाहट होने लगी है कि ट्रस्ट में कौन कौन होगा, ट्रस्ट आगे उसी मॉडल को मान लेगा जो मॉडल पहले दिखाया गया है, या फिर कोई नया मॉडल खड़ा किया जाएगा राम मंदिर का, कुछ सवालों के जवाब दे पाएंगे आप? सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय 9 नवंबर को दिया है, उस निर्णय से हम सभी लोग सहमत हैं और हम चाहते हैं कि भारत सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाकर इसके बाद मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाना चाहिए। भारत सरकार पर मुझे विश्वास है, देश के जिन संतों ने श्री राम जन्मभूमि की लड़ाई में खून पसीना बहाया है, जेलों की यात्रा किया है, मुलायम सिंह यादव की यात्रा, अखिलेश की यात्रा, मायावती की यात्रा, वीर बहादुर सिंह की यात्रा, नारायण तिवारी की यात्रा, जिन जिन लोगों ने यात्रा सहा है, अयोध्या के सभी लोग उनको अच्छी तरह से जानते हैं, उनमें बहुत कम लोग बचे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 5-6 लोग ही ऐसे बचे हैं जो उस आंदोलन में अपना तन मन धन समर्पित करके जेलों की यात्रा किया था और यात्रा को सहा था। जब 9 तारीख को निर्णय आया तो उस निर्णय को सुनने के बाद मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, और मैं सबसे पहले जजों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन जजों ने भारत में आपस में हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए 70 वर्षों तक जिस कांग्रेस ने संघर्ष किया कि आपस में हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर कैसे हम इस देश में राज्य करें। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया और उन्होंने एक नारा दिया सबका साथ सबका विकास, और 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ
तो लोकसभा के चुनाव में उन्होंने एक नारा और बढ़ा दिया, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। मुझे ऐसा लगता है कि 2019 में सबका विश्वास उन्होंने प्राप्त किया है। ये कल्पना किसी ने नहीं किया था, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के बाद इस देश में कई प्रधानमंत्री आए और गए, कई राष्ट्रपति आए और कई गए, लेकिन किसी ने ये कल्पना नहीं किया था कि कभी ऐसा भी होगा कि जब हम अपने आंखों से रामलला के मंदिर को बनते हुए देखूंगा। अभी तक 15 अगस्त 1947 के बाद देश के प्रधानमंत्री हुए और मुकदमा चला, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मानसिकता थी जिसके कारण ये निर्णय हो पाया। 40 दिनों तक लगातार सुनवाई, शनिवार को सुनवाई और 5 बजे तक सुनवाई, ये मुझे ऐसा लगता है कि भारत के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ऐसा किया है। ये साधु संत क्रेडिट दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को या बीजेपी से आपका पुराना नाता रहा इसलिए क्रेडिट जा रहा है नरेंद्र मोदी को? फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का है। मैं सरकार का नाम ले रहा हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पहले भी थी, 15 अगस्त 1947 से लेकर के और 2019 के 9 नवंबर तक भी सुप्रीम कोर्ट थी। इसके पहले भी कई प्रधानमंत्री आए, लेकिन किसी ने ऐसा विश्वास प्रकट नहीं किया कि जल्दी जल्दी निर्णय आए। वेदांती जी, प्रक्रिया है ना, आप तो उसको बेहतर जानते हैं। नहीं, प्रक्रिया पहले भी थी, इसके पहले भी कई जज लोग आए, कई प्रधानमंत्री आए, लेकिन उन लोगों की प्रक्रिया में प्राथमिकता राम जन्मभूमि नहीं थी। आज हमारे देश के संत लोग नहीं, संपूर्ण विश्व के संत लोग, संपूर्ण विश्व का हिंदू और मुसलमान, मैं तो विश्व के मुसलमानों को धन्यवाद देना चाहूंगा, भारत के मुसलमानों को धन्यवाद देना चाहूंगा। इस निर्णय को लेकर किसी ने विरोध जताया नहीं, केवल एक ओबीसी को छोड़कर किसी ने नहीं कहा कि ये निर्णय गलत हुआ है। आज इस देश का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब सांप्रदायिक सद्भावना के साथ, राष्ट्रीय सद्भावना के साथ, राष्ट्रीय एकता के साथ, सबको साथ में लेकर के इस निर्णय का समर्थन कर रहा है, जिसके लिए हम देश के हिंदुओं को धन्यवाद देते हैं, देश के मुसलमानों को धन्यवाद देते हैं और माननीय जजों को धन्यवाद देते हैं। वेदांती जी, हमें तो लगता था कि आप लोगों ने जोर डाला तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि हिंदू समाज के ये लोग प्रतीक हैं, ये लोग हिंदू समाज के प्रतिनिधि हैं, ये लोग इतने वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए फैसला देना चाहिए। आप तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की वजह से दे दिया फैसला। 84 से दबाव डाला जा रहा है। तो आपकी बातों से मुझे लग रहा है मैं गलत आदमी से पूछ रहा हूं मंदिर कब बनेगा। फिर तो नरेंद्र मोदी से ही पूछना चाहिए कि आपने फैसला करवाया तो बताइए बनाएंगे कब। मैं बता रहा हूँ नरेंद्र मोदी की ओर से, मैं बता रहा हूँ 3 महीने के अंदर ट्रस्ट का निर्माण होगा और 3 महीने के बाद मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। जय हो। और मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल के अंदर, इसी पंचवर्षीय योजना में 5 साल के अंदर मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें नए मंदिर में रामलला विराजमान हो जाएंगे। 5 साल आज से गिनो तो मुझे लग रहा है कि 2024 का चुनाव मंदिर बनाकर ही लड़ा जाएगा। नहीं देखिए, ऐसा है कि 2024 का चुनाव मंदिर बनाकर लड़ा जाएगा या उसमें मंदिर बनता रहेगा, ये मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन इतना विश्वास जरूर है कि 2024 तक मंदिर का निर्माण हो जाएगा। एक जगत गुरु स्वरूपानंद सरस्वती हैं, शंकराचार्य, स्वरूपानंद के टीम के लोग कह रहे हैं कि रामालय न्यास है, उसको दिया जाना चाहिए राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का अधिकार। तो क्या हम ये समझे कि संतों में भी बंटवारा इस बात को लेकर? देखिए, कौन क्रेडिट लेगा? बंटवारा नहीं है। देखिए, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने किसी पार्टी के प्रेरणा से उन्होंने इस प्रकार की दखलंदाजी देना शुरू किया। नहीं, अभी जब ये समझौते की बात आई थी कि समझौते में मंदिर और मस्जिद दोनों ही बने, और उस समय शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का मेरे पास फोन आया था। मैंने कहा था अयोध्या की धरती पर, केवल अयोध्या की धरती पर राम जन्मभूमि का भव्य रामलला मंदिर बनेगा। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अयोध्या में किसी महत्वपूर्ण जगह पर 5 एकड़ जमीन दीजिए। अयोध्या जिला बहुत बड़ा जिला है, अयोध्या जिले में कहीं भी उनको जगह दी जा सकती है। ये अयोध्या जिला जो फैजाबाद जिला था, अयोध्या जिला हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ। फैजाबाद जिला रायबरेली का बॉर्डर छूता है, बाराबंकी का बॉर्डर छूता है, गोंडा का बॉर्डर छूता है, जौनपुर का बॉर्डर छूता है, सुल्तानपुर का बॉर्डर छूता है, कहीं भी अयोध्या जिले में जगह दी जा सकती है। ये बात सुप्रीम कोर्ट की है, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात का समर्थन करता हूँ। अब इस बात को लेकर कोई विवाद नहीं होगा आगे? किसी प्रकार का कोई विवाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद नहीं होगा। ये देश का हिंदू मुसलमान दोनों आपस में मिलकर सांप्रदायिक सद्भावना के साथ, राष्ट्रीय सद्भावना के साथ, भारत सरकार का
समर्थन करते हुए, उनके ट्रस्ट का समर्थन करते हुए मंदिर निर्माण का समर्थन करेगा। आखिरी सवाल पूछ रहा हूं आप जाने वाले हैं, उसके पहले आपने कहा किसी पार्टी विशेष की तरफ जाकर कुछ लोग ऐसी बातें करने लगे, अब मसला यह है कि आप उनको कांग्रेस के बाबा कहते हैं, वो आपको बीजेपी के बाबा कह देते हैं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, आपने नाम लिया। कुछ चीजें तो हम भी समझते हैं ना महाराज कि सब चीज आप इसीलिए कहते हैं कि कोई समझ भी ना पाए और कह भी दें, आप कहते हैं इसीलिए कि लोग समझ जाएं उसको। आप उनको कांग्रेस के बाबा कहेंगे तो वो आपको बीजेपी के बाबा कह देते हैं। अब तय ये करना है कि मॉडल बीजेपी के बाबा का चलेगा मंदिर बनाने का या कांग्रेस के बाबा का चलेगा। देखिए ऐसा है, ये किसी बाबा का नहीं चलेगा, भारत सरकार का चलेगा। भारत सरकार जिस बाबा को चाहेगी उसी बाबा को ट्रस्ट में रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद रामविलास वेदांती जी आज हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए। आपको निकलना है, आपका बहुत बहुत आभार। हम इस चर्चा को आगे जारी रखते हैं। तो राम मंदिर कब बनेगा? रामविलास वेदांती तो कह रहे हैं कि 2024 तक राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। अब सवाल यह है कि 2024 का अगर समय तय किया जा रहा है तो आचार्य सत्येंद्र दास जी, अक्सर हम लोग अयोध्या आते रहे, आपसे बात करते रहे, हर बार आपकी एक ही भावना थी कि रामलला टेंट में ना रहे, उनका मकान तो कम से कम पक्का कर दे सरकार, जो ये कह रही है कि हमने वादा किया है हर किसी को 2022 तक पक्का मकान दे देंगे, ये तो कह रहे हैं 2024। फिर भी आप कहेंगे कि नहीं, चुनाव के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, राजनीति नहीं होनी चाहिए राम मंदिर पर, या होती नहीं रही है, बोलिए। देखिए राजनीति का तय नहीं होना चाहिए, और मैं कहूंगा जब यह ट्रस्ट बनेगा कि जब अधिक से अधिक विलंब हो तो कम से कम जहां रामलला टाट पट्टी में विराजमान है उसको जितने जल्दी हो उसको हटाया जाए, और पहले गर्भगृह बनाया जाए जहां रामलला विराजमान है, और इतनी 4 साल 5 साल तक फिर वो यदि इसमें टाट पट्टी में रहते हैं तो इस प्रकार के इस आदेश का कोई महत्व नहीं है, और इस प्रकार के कोई ट्रस्ट बनने का कोई महत्व नहीं। महत्व यह है कि बहुत अधिक तब 6 महीना साल भर के अंदर धन्यवाद रामलला विराजमान हो जाए और पहले रामलला को गर्भगृह बने और इसको तत्काल आदेश पारित करें जो ट्रस्ट बने। इसके अलावा ये कहना कि अभी 4 साल 5 साल बीतेगा तब होगा तो बिल्कुल गलत है, और रामलला इतने दिनों तक टाट पट्टी में रहे और इस प्रकार के आदेश आने का भी कोई औचित्य नहीं होगा। तब फैसला आने के बाद आज तक किसी ने सरकार से आपको फोन किया, किसी ने बधाई दी, किसी ने बात की? देखिए सरकार अपने अपने साथ में रहती है और सरकार के साथ जुड़े रहते हैं, उनके साथ फोन आता है। हम तो रामलला के साथ जुड़े रहे और रामलला की पूजा अर्चना करते हैं, हम सरकार के साथ जुड़े नहीं हैं, जो जुड़े हैं उनके पास बराबर फोन आता है। सरकारें तो आशीर्वाद लेने आप ही से आती है महाराज, जो वेदांती जी है उकालता उनके पास आता है फोन, उनका आया आशीर्वाद तो सरकारें आप ही से लेने आती हैं आचार्य जी। बिल्कुल आशीर्वाद देता रहता हूँ और आशीर्वाद लेते रहते हैं, और उसी में सरकार। करपात्री जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए क्या कह रहे हैं? जी जो पुजारी जी हमारे कह रहे हैं अगर 24 तक मंदिर बनने का लोग प्रस्ताव रख रहे हैं तो निश्चित इसके पीछे कोई ना कोई राजनीति है। अभी ट्रस्ट बन गया है और निश्चित तौर से जितना जल्दी हो सके 6 महीना या साल भर के अंदर ही अयोध्या में हम सारे संत महात्मा राम मंदिर का निर्माण देखना चाहते हैं, और इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। बोलिए राजू दास जी क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार माइक दीजिए राजू दास जी को, बोलिए। हम लोग ट्रस्ट और उसमें सदस्य बनने की प्रेमी नहीं है, हम लोग जिस उद्देश्य के लिए लड़ाई लड़ रहे थे उस उद्देश्य में हम लोग सफल हो गए। किसी की कुर्बानी को भुलाया नहीं जाता जा सकता, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन जैसे कल से ही हम कह रहे हैं, महाराज जी ने भी कहा, अविलंब जहां पे रामलला विराजमान है टाट पट्टी को हटाकर पहले तो उसकी दिव्यता प्रदान की जाए। मंदिर का तो आदेश आ गया, आप 2 ने 4 ने 6 साल जब इच्छा हो तब तुम बनाओ, अब उसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन अब ट्रस्ट की झगड़ा में हमको नहीं पड़ना है, किस साधु को रखती है सरकार किस साधु को नहीं रखती है इससे मुझको कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब ये बवाल जो 500 वर्षों से लटका हुआ था, 70 वर्षों से राम जी को राजनीति के चक्कर में लोगों ने अटका के रखा था, अब 4-5 वर्ष फिर ये लोग बातचीत कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी तो तत्काल आग्रह है महाराज जी से, पुजारी जी से और सरकार से निवेदन है कि अविलंब टेंट को हटाकर वहां कुछ दिव्यता प्रदान की जाए, आप मंदिर बनाते रहो कोई दिक्कत नहीं है, सारा हिंदू जनमानस और साधु संत सरकार के साथ है। परमल जी देखिए ऐसा है, श्री रामलला के मुख्य पुजारी आदरणीय पूज्य श्री सत्येंद्र दास जी ये उस वेदना को समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों टाइम में मुख्य पुजारी हैं, वहां जाके देखते हैं। और मैंने जब 12 दिन तक आमरण अनशन किया था तो प्रतिदिन आके मुझे आशीर्वाद देते थे,
मैंने चिता लगाया था तो यही जाके बोले कि जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जब चर्चा करने लगते हैं इनके आंख में आंसू आ जाता है। इनका जो कहना है कि कम से कम गर्भगृह जल्दी से जल्दी बन जाए, वहां आरती पूजा सम्यक रूप से होने लग जाए और बाकी जो उसकी भव्यता है, विस्तार है, वो भले वो जो है तो 4 साल ले ले, 5 साल ले ले, लेकिन कम से कम जब जजमेंट आ गया है तो जहां रामलला विराजमान है, एक कमरा तो कम से कम जल्दी से जल्दी रामलला के लिए बना करके दे दिया जाए। ये पुजारी जी की जो इच्छा है, ये प्रत्येक राम भक्त की इच्छा है और हम लोग चाहते हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी ट्रस्ट का गठन हो और आने वाली ये जो रामनवमी है वो गर्भगृह जो है उनका बना हुआ हो और उसमें हम लोग दर्शन करें। राघवेश जी आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए बोलिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ट्रस्ट बनने के साथ साथ राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू कर देना चाहिए। इसमें विलम्ब लगाना बिल्कुल ही गलत है। कारण है ये जो 70 साल से जो मुकदमा चल रहा था, आज जजमेंट होने के बाद भी अगर ज्यादा समय लगता है तो बहुत ही गलत है। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री राम। दूसरी बात मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ सरदाना जी, कि जैसे यहाँ पर चर्चा हुई, परमहंस जी का नाम आया, ढेर लोगों का नाम आया, जो वर्तमान में राम जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष मणि रामदास छावनी पीठाधीश्वर परम गुरुदेव स्वामी नृत्य गोपाल दास जी हैं, उनका एक बार भी नाम नहीं लिया गया। एक बार आप उनसे भी मिलो। मैं तो ये सवाल पूछा ही था, क्या बाबा वालों में, साधु संतों में भी राजनीति है क्या? एक बार आऊंगा आपके, साधु संतों में भी राजनीति है क्या? वस्तुतः एक बात मैं आपको और बता दूं, रामचरितमानस की एक चौपाई है कि कौन रिप होए हमें कहानी, केवल रघुनाथ जी का मंदिर बनना चाहिए और इसमें इस प्रकार की कोई राजनीति नहीं है और न होनी चाहिए। इस बात से नाराजगी क्योंकि इसका नाम आया उसका नाम नहीं आया, वो जो आए वो पूरा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को देकर चले गए। क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह मंदिर जो है पूज्य महंत नित गोपाल दास जी महाराज के नेतृत्व में बनेगा, हम लोगों को बहुत ही गर्व है। और मैं बताना चाहता था जो जहाँ आप डिबेट कर रहे हैं, ये पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज राजविन्यास अध्यक्ष की तपस्थली है, जिन्होंने आंदोलन शुरू 1949 से करते आए हैं। आज उनकी आत्माओं को शांति मिल रहा होगा, अशोक सिंघल जी की आत्मा को शांति मिल रहा होगा, आचार्य गिरिराज किशोर जी की आत्मा को शांति मिल रहा होगा, महंत अवैधनाथ की, महंत वामदेव जी महाराज जी को आत्मा को शांति मिल रहा होगा। हम लोग यही आग्रह करेंगे भारत सरकार से कि इस पर जल्द से जल्द मंदिर निर्माण कार्य शुरू करा दिया। ठीक है, लेकिन राघव जी एक बात तो है ना, कहने को सब कहते हैं कि नहीं क्रेडिट का मसला नहीं है, लेकिन जब बात खुलती है तो फिर क्रेडिट पर ही आकर अटकती है। देखिए मैं तो कहूंगा, वे संत नहीं जो चाटुकार लोभी दुर्बान मिथ्या मध्य के, वे कभी नहीं है पात्र जगत सदगति के। जो निष्प्रिय भाव से भगवान के चरणों में शरणापन्न होता है वही सच्चा संत होता है। जी मेरा कहना है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद, रामलला को वह जगह मिल जाने के बाद, कोई संत समाज रामलला को एक मिनट भी टेंट में देखना नहीं चाहता। अच्छा। इसलिए तत्काल कोई ना कोई व्यवस्था करके सरकार को चाहे कोर्ट को रामलला के सर से टेंट तत्काल हटाना चाहिए, क्योंकि इसको कोई संत समाज देखना नहीं चाहता कि अब रामलला टेंट में रहे, क्योंकि देर बहुत हो चुकी, अपना देर लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला और जल्द टेंट हटाएंगे महाराज। लेकिन अगर यही जल्दबाजी करनी होती कि आनंद फानंद में ही कर देना है सब कुछ, तो फिर तो सरकार इंतजार भी क्यों करती सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने का? आप लोगों ने तो कई बार दबाव बनाया था कि संसद के जरिए ले आइए। नहीं देखिए, सरकार जो है कोई बड़ा उच्च अधिकारी आता है तो तत्काल यदि सरकार उसके लिए व्यवस्था तुरंत व्यवस्थित कर देती है, तो क्या हमारे राम के जो टेंट में रावटी में रह रहे हैं, तत्काल कोई आनंद फानंद में भी तत्काल व्यवस्था हो सकता है कि वो उस चीज को तो अब हटाओ, अब जो चीज के लिए इतने वर्षों से विवादित था उस चीज को तो हटा के कुछ नया लाओ। इसके बाद फिर आगे जो होगा चलता रहेगा, जो ट्रस्ट बनेगी गठन होगा इसके बाद उसकी कार्य चलता रहेगा। बिल्कुल सही, बोलिए बोलिए क्या बोले। देखिए किसी भी कार्य को करने के लिए जैसे सभी संत महात्माओं की जो भावना है, मेरी दृष्टि में इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। हम छोटा सा पुल बनाते हैं उसके लिए भी टाइम लगता है, और इतने बड़ा विश्व विराट भगवान श्री राम का मंदिर बनना है और हम आज कल्पना कर रहे हैं भगवान आज ही टेंट से हट जाएं, तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, साधु संतों की मत है,
ठीक है, कोई बात नहीं, किसी को भी राजनीति करना हो राजनीति करे, मुझको ट्रस्ट में जगह नहीं चाहिए, मुझको राजनीति में जगह नहीं चाहिए, लेकिन लेकिन टेंट रखना चाहिए, टेंट सरकार ने दे दिया है, सरकार भारत हिंदू समाज को मंदिर दे दिया गया है, मंदिर बनेगा जब तक भव्य मंदिर नहीं बनेगा, जब तक वहाँ रामलला विराजमान नहीं हो सकते, अब रामलला विराजमान जब होंगे तब तो मंदिर में होंगे, रामलला पहले से विराजमान है, आपको चुनाव लड़ना है, राजनीति कल्पना भी नहीं करता, उसके नाते नहीं मैं राजनीति कल्पना भी नहीं करता, राजनीतिक भाषा करना लोकतंत्र गलत बात है, क्योंकि मेरे आराध एक काम करते हैं राजू जी, एक काम करते हैं शांति से, एक काम करते हैं ना, एक एक करके अपनी अपनी बात कहते हैं, आप पहले आप अपनी बात बोलिए, आचार्य जी आप एक बार माइक इनको दे दें, ताकि ये अपनी आप पहले अपनी बात बोलिए फिर वो अपनी बात बोले, ताकि लोगों को समझ में आए आप कहना क्या चाहते हैं, बोलिए। संत शुद्ध रूप से ये चाह रहा है कि अविलंब, क्योंकि आप सरकार का आदेश आ गया, 3 महीने के अंदर आप ट्रस्ट बनाएंगे, इतनी विशाल काय पत्थर है, कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं बनना है, कोई छोटा मोटा मंदिर बनना नहीं है, विश्व का नंबर एक का मंदिर बनेगा, तो आप क्या चाह रहे हैं कल से काम शुरू हो जाए, नहीं देखिए ये कहां कह रहा हूं, ये कहां कह रहा हूं कल से काम शुरू हो जाए, टेंट जो है ट्रस्ट आप बना लो, जल्दी से बना लो, टेंट हटा दो, और टेंट हटा के कुछ ऐसी व्यवस्था तो कर दो, आप तो एक गरीब को भी एक मकान आप प्रधानमंत्री योजना से दे देते हो, हमारे आपके रामलला भी गरीब हैं क्या, नहीं रामलला गरीब नहीं, रामलला गरीब की बात मैं नहीं कर रहा, नहीं उदाहरण देते हैं, आप ऐसा मुझे राजनीति नहीं करनी, तो क्यों आप ऐसा बोल रहे हो, ये सब आप लिखवाते हैं, अयोध्या की गलियों में मेयर पद आपको चाहिए, विधानसभा आपको चाहिए, लोकसभा आपको चाहिए, मैंने आज तक राजनीति की बात देगी, राजू दास जी मैंने आज तक राजनीति की बात देगी, टेंट हटाने से आपको क्या दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई जब तक भव्य रामलला जी का मंदिर नहीं बनेगा से पूछ लीजिए पुजारी जी, एक पुजारी मेरे पूज गुरुदेव हैं, मैं आपको गुरुदेव तुल्य मानता हूँ, लेकिन आपके कल्पना करने से मात्र नहीं हो जाएगा, तो टेंट हटाने में क्या समस्या है, मैं कल्पना करने से नहीं होगा, परमंत दास जी कुछ कह रहे हैं, आप कह लीजिए एक बार, फिर आचार्य सत्येंद्र दास जी से भी पूछता हूँ, बोलिए हमारे यहाँ जो राघवेश, संत दोनों सही कह रहे हैं, दोनों लोगों की इच्छा है कि भगवान का मंदिर जल्दी बने और भगवान का टेंट वास खत्म हो, एक संत चाहते हैं कि कम से कम गर्भगृह जल्दी बन जाए, और एक संत की इच्छा है कि भव्य बन जाए तब विराजमान हो, तो यहाँ देखिए ऐसा है ना, जब आप एक मिनट यहाँ जो है कोई ये बोले फिर आप बोले, किसी तरह से संतों में मतभेद नहीं है, एक आतुरता है कि कितना जल्दी हमारे रामलला का टेंटवास खत्म हो और रामलला का मंदिर बन जाए, और वो तो देखिए निर्णय के साथ ही वो वनवास खत्म हो चुका है, अब हमको भगवान श्री रामलला को भव्य मंदिर में जो विश्व की कल्पना है, विश्व सर्वश्रेष्ठ मंदिर हो, वो जब तक निर्माण नहीं होगा तो आप भगवान रामलला को वहां नहीं विराजमान करेंगे, एक बार विस्थापित करेंगे, यहाँ पर सभी पूज्य चरण बैठे हैं, विद्वान हैं, वहां पर भगवान विस्थापित होंगे, फिर उनकी वहां पुनर्प्रतिष्ठा होगी, और उसके लिए टाइम लगेगा, मैं एक छोटी सी बच्चा आज पैदा होता है तो आज ही नहीं दौड़ने लगता उड़ने लगता, बच्चा समय लेता है बड़ा होता है, उसी प्रकार हमारे रामलला जी है, रामलला जी का मंदिर जब तक भव्य नहीं बन जाएगा ये सर्वसम्मति टेंट में रहे, एक काम करिए हम लोग भी टेंट में रहना शुरू कर दें, जब मंदिर बन जब राम फिर स्वामी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, जब रामलला टेंट में थे तब आप टेंट में क्यों नहीं थे, ये बड़ी बड़ी बात करने से कैसे हो जाएगा, इतने दिन आपके रामलला टेंट में थे तब आप टेंट में रखने की बात किए क्या, मैंने 12 दिन बैठा था, ये कोई नहीं होता स्वामी जी, 12 दिन तक बैठा था, सब जानता है यहाँ पूरे स्वामी जी, आप नहीं, हमने भी 1.5 महीने से भोजन नहीं किया, हम भी जल नहीं पीते, ये कोई बात नहीं है कि आपने 12 दिन अमरण अनशन किया तो सारा श्रेय राम जन्मभूमि का आप ले लेंगे, एक चीज पूछो, करोड़ों संतों ने आज क्या आहुति दी है, एक चीज बलिदान है। एक सेकंड, एक चीज पूछ लूं, आचार्य सत्येंद्र दास जी आपने जो इच्छा जाहिर की कि रामलला को कम से कम फौरन उनके गर्भगृह का काम हो जाना चाहिए और पक्का करके टेंट से बाहर निकालना चाहिए, यह इच्छा आपने टेलीविजन पर ही जाहिर की है या योगी सरकार को मोदी सरकार को यह बात आपने औपचारिक तौर पर बताने की कोशिश भी की है, इसी आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं कि यदि बनाया जाए एक केवल गर्भगृह जी तो उसी भव्य दिव्यता के रूप ले सकता है और उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि उसमें पैसे लगते हैं, पैसे की कमी नहीं है और न सामग्री कमी है, ऐसे ही में जो नक्शा बना हुआ है उस नक्शे के अनुसार गर्भगृह केवल जहां रामलला विराजमान है और विधिवत वह भव्य दिव्य बन सकता है, बाकी जो बनने की बात है वो बाद में बने और रामलला विराजमान उसमें हो जाए, ये हमारी बात महाराज, लेकिन आप कह रहे हैं कि नक्शा बना हुआ है, सब सामग्री हमारे पास विद्यमान है, अभी तो इस बात को लेकर भी झगड़े के आसार दिख रहे हैं,
कि जो नक्शा बना हुआ है वो राम जन्मभूमि न्यास का माना जाए, या कोई और पार्टी आके खड़ी हो जा रही है कि भाई हम ये राम जन्मभूमि न्यास ने जो नक्शा प्रस्तावित नक्शा है जो राम जन्मभूमि का, उसी के आधार पर मंदिर बनेगा। और उस मंदिर में जो हमने सुना है कि अभी प्रथम तल की पूरी तैयारी है, द्वितीय तल की भी तैयारी, मतलब 70% अभी मंदिर निर्माण की जो तराशाई पत्थर की हुई है। अरे न्यास बनावे हिंदू बनावे, जो देखिए ऐसा है कि हमको जन्मभूमि से मतलब है, चाहे न्यास बनावे, अध्यक्ष के साधु संत बनावे, पूरे विश्व के हिंदू जनमानस बनावे, सरकार बनावे, चाहे सरकार मंदिर नहीं बनाएगी, ध्यान रखिएगा स्वामी, लेकिन सरकार का सहयोग, मंदिर बनाएगी। आप नाराज मत होइए, हमने आपको नाराज करने की बात नहीं किया, मैं तो यही कह रहा हूँ ना, शांति पूर्वक कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ ना कि आप आराम से, नहीं स्वामी जी तत्काल, एक मिनट मेरी बात, रोहित भाई साहब सराना जी एक मिनट मुझको समय आप दीजिए, एक मिनट, पूरा देश सुन रहा है, पूरा विश्व इसको देख रहा है, महाराज जी एक मिनट, महाराज जी ऐसा है कि आदेश आ गया, 3 महीना में आप कमेटी गठित करेंगे, बोर्ड बनाएंगे, उसमें जिसको रखना है उसको रखिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लीज एक मिनट मेरी बात को सुनिएगा। राजू जी पहले तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, नहीं आपको कोई न्योता आया कि ट्रस्ट में शामिल हो जाओ? नहीं, हमको नहीं आया ना, हमको नहीं होना है, बीच बार ये बात क्यों निकलती है कि मुझे ट्रस्ट में शामिल नहीं होना? नहीं भगवान, मुझको ट्रस्ट में नहीं शामिल होना क्या मतलब, जिस उद्देश्य के लिए कोई आपसे पूछे कि शामिल होगे तब तो बताइए ना कि शामिल नहीं होना। यहाँ का साधु भी बताया चले जा रहे प्रभु ट्रस्ट में नहीं, प्रभु पहले यहाँ के जितने साधु संत बैठे हैं कोई ट्रस्ट में शामिल होने के लिए नहीं बैठा है, उन लोगों का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि हमारे आराध्य भगवान टेंट में है, भव्यता प्रदान की जाए, इसके नाते यहाँ लोग बैठे हैं, ट्रस्ट में शामिल होने नहीं बैठे। महाराज जी प्लीज मेरी बात को एक मिनट पूरा कर ले फिर आप बोलिए, प्लीज महाराज जी एक मिनट सुन लीजिए, इसके नाते ज्यादा हमको उत्सुकता है क्योंकि जब महाराज जी से 2005 में बात हुई थी तो वहां चटाई बदलने के लिए महाराज जी ने कहा नया चटाई राजू दास यहाँ नहीं रखा जा सकता है, टेंट फटा हुआ था और टेंट से पानी चू रहा था भगवान श्री राम के शरीर पे और वस्त्र सब फट गए थे, महाराज जी से सामने बैठे महाराज जी से हम लोगों ने अन्वय विनय विनती किया, कहें कि वस्त्र नहीं बदल सकता, उच्चतम न्यायालय जब कहेगा तब बदला जाएगा, तब महाराज जी जब आदेश आ गया है तो टेंट आप बदल दो, टेंट के जगह पे तमाम व्यवस्था आ गई है, मैंने कहता तुरंत मंदिर बनाना आप शुरू कर दो, आपकी कल्पना ऐसी, अब जवाब लेने जवाब देखिए, आपकी कल्पना ऐसी है, हमारी दृष्टि में जो हमने सुना कि जब 3 महीने के अंदर सरकार को ट्रस्ट का गठन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, उस आदेश के अनुसार जब ट्रस्ट गठित होगा वो ट्रस्ट मंदिर बनाएगा, अभी उसमें बहुत सारा समय लगेगा, हमारी कल्पना कर लेने से नहीं हो जाएगा। देखिए आचार्य जी बैठे हैं, सत्यनाथ जी मुख्य पुजारी हैं, एक बार कर पाते हैं उनकी बात को, तो आप सुनिए, आपके काका गुरु हैं, मेरे पूज्य गुरुदेव हैं, पूज्य अभिराम दास जी महाराज की पधराई हुई मूर्ति, उनको हम जानते हैं, अभिराम दास जी महाराज ने संघर्ष किया और निर्मोही अखाड़ा के 1800 कुछ में वहाँ पर श्री महंत को फांसी अंगद टीला पे फांसी दे दी गई थी, ऐसा नहीं है साधुओं ने बलिदान नहीं दिया, लगातार साधुओं ने बलिदान त्याग और जनजागरण से ये आंदोलन हुआ, ये निर्णय आया। महाराज जी जो रातों दिन सेवा करते हैं उनकी भी बात को तो सुनो, क्या दिक्कत है, प्रदान कर दो, टेंट को हटा दो, ठीक ठाक व्यवस्था, पुजारी जी ने जो कहा कुछ कह रहे हैं, कहीं कारण कीजिए, जय हो, अब बिल्ले में कहीं कारण कीजिए, तुरंत कर्पण कहूँ आयश दीजिए, ट्रस्ट बनाइए, तब तक आदेश दीजिए, हम सिला वहां पहुंचावे, व्यवस्था रखें, वो नए साल के बाद 2 मीटिंग में आज हमारे सरकार 2 वक्त का खीर खाए हैं, वो नए साल के बाद 2 वक्त खीर आज राम जी ने पुजारी को पुजारी ने खिलाया है, और इसे कमीशन के दरवाजे में मैं आत्महत्या के लिए तैयार था कि फटा हुआ मेरे ठाकुर जी का कपड़ा पड़ा बता दीजिए, वो कहे चाहे आप भले मर जाइए लेकिन नियम कानून का पालन होगा, अब किस नियम कानून का पालन करना है, 3 महीने के अंदर आप ट्रस्ट बनाते रहिए, और जो है नरेंद्र मोदी जी आपका काम अच्छा हो गया, प्रधानमंत्री जी आपका काम अच्छा हो गया, मैं तो जानता हूँ ये काम हुआ है, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री और देश के प्रधानमंत्री का श्रेय है, होना चाहिए, लेकिन राम जी के राम जन्मभूमि बनवाने का श्रेय हम संतों पर दीजिए, राम जी हम संत बनवाएंगे, आप आदेश दीजिए सारे पत्थर वहां पहुंचे, 6 महीने के अंदर रामलला को मंदिर में विराजमान हम लोग देखना चाहते हैं, इससे स्वामी जी आप एक एक पत्थर, नहीं स्वामी जी ऐसी बात है, बड़ी बड़ी बात है, एक पत्थर स्वामी जी, एक पत्थर आप उठा के वहां नहीं रख सकते, एक पत्थर, आपकी इतनी हिम्मत नहीं है, बातें बड़ी बड़ी करने से नहीं होता, शासन आदेश करेगा, शासन आदेश करेगा, मैं आदेश करता हूँ, एक पत्थर उठा के ले जाइए, ऐसी बात करते हैं आप, एक पत्थर उठाइए, शासन नैया पार करना चाहते हैं क्या स्वामी जी, नैया पार आए 24,000 की केवल 24 बताते हैं, नैया पार करने की हिम्मत नहीं है, एक सेकंड राघवेश जी, एक सेकंड परमन जी, एक सेकंड पीछे पीछे, ब्रजकिशोर जी एक मिनट, एक मिनट, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, राघवेश जी एक मिनट बोलिए क्या कहना चाहते हैं,
ये कौन बनाएगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, इस विवाद को बढ़ाने की अपेक्षा जो उच्चतम न्यायालय का आदेश है उस आदेश का ही पालन होना चाहिए, न्यायालय की अवमानना नहीं होनी चाहिए। पूज्य जन्मभूमि उद्धारक बाबा विरामदास जी महाराज ने वहाँ पर 1949-23 दिसंबर के समय जब भगवान रामलला का पूजा अर्चना किया तो भव्य भवन में ही किया, वो भवन ही था उस समय भगवान का। इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था बना दी जाए, कुछ न हो तो कम से कम चंदन की एक वहाँ पर छोटी मंदिर बना दी जाए, चंदन की मंदिर बने, जो कोर्ट का निर्णय है उस अनुसार बने। लेकिन पुजारी जी की जो भावना, हम संतों की भावना, कम से कम अब तो जब क्षमा आदेश हो गया है तो कम से कम अब तो रामलला के सर से टेंट हट जाना चाहिए, क्योंकि पूछ रहा हर राम भक्त, रोहित जी पूछ रहा हर राम भक्त, और तिनका तिनका ये कहता है कि बोलो भाइयों किसका गार्ड, खुदा तंबू में रहता है। तो अब वो दिन दूर नहीं जब सब आदेश हो गया है, रामलला के पक्ष में हुआ है, तो अब तो रामलला के सर से टेंट हटना चाहिए। भले मंदिर बनने में और ट्रस्ट बनने में समय लगे, हम लोग समय देने को तैयार। बोलिए आप क्या बोल रहे हैं, छोटा रखिए ना, थोड़ा छोटा रखिए, बोलिए क्या बोल रहे हैं जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोगों की भारती की इच्छा यही है, उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दे दिया है तो भगवान ने, बरसात होता है तो वहाँ पानी चूता है, पर वहाँ टेंट बदलने के लिए ऑर्डर लेना पड़ता है, हम लोगों ने टेंट दान वहाँ कराया है। हम लोग यही चाहते हैं कम से कम बारिश और धूप और छांव से कम वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल के लिए तो हो जाए। कोर्ट ने यही तो कहा कि आप एक ट्रस्ट बना लीजिए ताकि आपको कपड़ा बदलने के लिए भी पूछने हमारे पास ना आना पड़े। आप लोग ट्रस्ट बनने तक का भी इंतजार करने को तैयार नहीं क्या? देखिए हम आपको बताना चाहते हैं, जो ट्रस्ट बन जाए, ट्रस्ट मंदिर बनाए, जो उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया उसके अनुरूप हो, लेकिन हमें चाहते हैं कि जो भगवान अभी पानी छू रहा है वहां पर कम से कम पानी तो उनके सर पर न छुए। आपको लगता है कि ट्रस्ट बनता रहेगा, काम बाद में होना है होता रहेगा, उसके पहले फौरन ये चीजें होनी चाहिए जो मांग की जा रही है? ये हम जानते हैं, महापुरुषों ने कहा है कि भगवान और भक्त में कोई अंतर नहीं होते हैं। महाराज श्री जैसे भगवान की सेवा करते हैं तो उर प्रेरक रघुवंश मनी, तो लगता है कि रामलला सरकार अब उनको प्रेरणा दे रहे हैं और उनके मुख से कहवा रहे हैं कि नहीं अब जो है जल्दी हमको जो है टेंट हटाया जाए और हमको जैसे महाराज श्री कहे कि गर्भगृह ही केवल बन जाए। तो ऐसा देखिए, जो 70 वर्ष से 4-5 साल से मतलब रुका हुआ था, 40 दिन में फैसला हो सकता है, तो मान लीजिए कि वैकल्पिक व्यवस्था कुछ भी हो सकता है, जैसे जो है आपने कहा कि जो है ये जो है मतलब रामनवमी तक, तो ये पूरा समय है, उस समय तक कुछ भी हो सकता है, टेंट हटाया जाए सबकी यही जो है अपेक्षा है। आप बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं। जो संत महापुरुष ने जो राय है, भगवान जिस अवस्था में है, ट्रेन में है, वो जल्दी से जल्दी भगवान सुव्यवस्था में है, संत महात्मा का ही राय है, मेरे भी यही राय है। लेकिन अब तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी खुद साधु संत हैं, वो महंत हैं, तो जो आचार्य जी के मन में भावना आती है, जैसा ये कह रहे हैं कि राम जी खुद इनके मुँह से बुलवा रहे हैं, तो ये भावना तो उनके मन में भी आती होगी आचार्य जी, उनको भी इस बात का एहसास होता होगा जैसा आपको होता है कि रामलला को फौरन जो है टेंट से शिफ्ट किया जाना चाहिए। ये आचार्य जी बोले, एक बार फिर आप ही से लूंगा राघवेश जी जवाब, बोलिए। देखिए भावना सबको आ रही है, एक होता है भावना के साथ साथ प्रत्यक्ष की स्थिति, क्या स्थिति है उसको मैं देखता हूँ जी जी। इस अवस्था में राजा राम अवधानी जिस भगवान राम के उस भवन में को देख करके कुबेर भी लज्जित होता था, मणिमाणिक से विराजमान रामलला पहले कभी थे, आज उस उनकी स्थिति एक काटपट्टी में है। यह है कि किस प्रकार से सबको मालूम है और सब जानते हैं, इसलिए उसके जो मैं कह रहा हूँ वो हो सकता है, असंभव नहीं है, संभव नहीं है, बिल्कुल सही। महाराज आपको एक बात नहीं लगती कि आप ये बात गलत जगह कह रहे हैं, आप ये बात टीवी पर कह रहे हैं, जब अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद एक महंत हैं, जो भावना आपके मन में आती है वो भावना उनके मन में भी तो आती होगी। जी हाँ बिल्कुल भावना है और कह चुके हैं और उनकी जिम्मेदारी भी बन चुकी है, जितनी जल्दी हो उसको बनावे, ये निश्चित है बनाएंगे। लेकिन हमारी जो भावना, हम जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिस जो भुक्त भोगी हैं, वह अपनी दर्द कहेगा ही जरूर। मैं अपनी दर्द कह रहा हूँ कि रामलला किस स्थिति में है और किस रूप में विराजमान है, इसलिए इस बात को ध्यान रखते हुए बनाएगा ट्रस्ट, और ट्रस्ट बने और उसके बाद सबसे प्रथम रामलला जहाँ विराजमान है, जिसे गर्भगृह कहा जाता है, उसको बनाया जाए, उसके बाद उसको नृत्यगृह है
या और जितने भी चीज जितना बनाना है उसको बाद में बनावे और रामलला को उसमें स्थापित करके बाकी सारा काम होता रहे, ये हमारी बात। आचार्य जी आपको लगता नहीं ये बात आप गलत जगह कह रहे हैं, आप टीवी पर ये बात कह रहे हैं लेकिन जिस सरकार को ये जिम्मेदारी है कि वो ये काम करे, कार्यान्वित करे इसको, उस सरकार तक आपने औपचारिक तौर से अभी तक कुछ नहीं पहुंचा। देखिए सरकार की जिम्मेदारी कोर्ट दे चुका है और सरकार जिम्मेदारी समझती है और सरकार करेगी। राघवेश जी बोलिए। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए अच्छा फल पाने के लिए हमको धैर्य की जरूरत होती है, हम सबको धैर्य रखना चाहिए। रामलला का मंदिर बनने का भव्य निर्णय आ चुका है, तो इतने दिन से जब रामलला टाट में थे तो अब 3 महीने में बहुत ज़्यादा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मेरी भी भावना भगवान राम के प्रति है, मैं भी भगवान राम को माता रामो मत पिता रामचंद्रा स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नहीं जाने न जाने के रूप में राम को मानता और जानता हूँ। लेकिन जब इतने दिन तक हम लोग धैर्य रख चुके हैं तो 3 महीना और धैर्य धारण करने में क्या जा रहा है। 85 से हम लोग धैर्य कर रहे हैं और 70 साल के बाद अगर हुआ है उन्होंने अगर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो इसको आदरणीय उतावलापन है, हम इसको धैर्य रखें, ट्रस्ट बन जाएगा, मंदिर निश्चित भव्य बनेगा। ट्रस्ट बनने के बाद ही भगवान रामलला को विराजित करके बहुत बड़ा भव्य मंदिर नहीं बनाया जा सकता। बनने के बाद ही भगवान रामलला को विस्थापित करना पड़ेगा, जब भव्य मंदिर बनेगा तब रामलला की वहाँ पुनर्प्रतिष्ठा होगी। एक इधर से भी कुछ कहना चाह रहे हैं बोलिए। मैं महाराज जी को बताना चाहता हूँ कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, वहाँ पे बसोली में केबल ब्रिज बना है 2.5 किलोमीटर लंबा, 3 दिन में बन गया। जब दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तो कुछ ना कुछ तो प्रबंध किया भी जा सकता है। आदरणीय जब 40 दिन के अंदर 495 वर्ष का निर्णय आ गया तो वो भी होगा, 3 महीने तो बीतने दीजिए, जो कोर्ट ने टाइम दिया उस टाइम को तो इंतजार कीजिए। एक 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 बात और इधर से कुछ कह रहे हैं बोलिए। जी सर, जो ये कहा जा रहा है कि समय लगेगा, हम कहते हैं हमारे पास अगर जमीन हो जाता है, हम किसी दूसरे स्थान पर रहते हैं तो हमारा प्रयास यही होता है कि अपनी जमीन में एक छोटे से कमरे का हम निर्माण कर लें और अपने घर में रहें। और जहां तक रही बात निर्माण करने न करने की, सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के अंदर अगर हमारा सरकार से यह निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री जी से यह निवेदन है कि उनके द्वारा जो गठन करना है वह शीघ्र गठन करें, और जो पुजारी जी ने कहा एक कमरे का निर्माण हो, अपना घर अपना होता है, प्रभु श्री राम टेंट के नीचे हैं, बारिश होती है पानी उनके ऊपर टपकता है, यह दुख वही समझ सकता है। यदि इन संतों की बात को मानकर 3 महीने के अंदर वहां पर भव्य मंदिर बन जाए तो मेरी गर्दन काट दीजिएगा। ये बिल्कुल गलत बात है कि हम सबकी बात को मानने के लिए हम अपनी बात को हार जाए। बिल्कुल सुन लीजिए स्वामी जी, आप ही अकेले अथराइज नहीं है, वहाँ जितने हिंदुस्तान के साधु संत है जनमानस सब है, आप अकेले इस भाषा का मैं इस बात आपकी की बात गर्दन की हमको जरूरत है महाराज जी, आपकी गर्दन की जरूरत है हमको, मैं तो गर्दन आपका काट दूंगा महाराज। राजू जी देखिए उसको जरूरत है महाराज जी, मैं आपका गर्दन कोई गर्दन आपका नहीं काटेगा। राजू जी लोगों की भावना का सम्मान करिए, राघवेश जी राजू जी आप बोल लीजिए क्या बोलना चाहते हैं। बाबा बैठिए आपके पास आ रहे हैं। राघवेश जी एक सेकंड रुकिए, आप बोल लें अपनी बात, उसके बाद हेलो बोलिए बोलिए देख लीजिए। रुकिए उनको सुन लीजिए। एक मिनट महाराज जी, ऐसा है ना कि यहाँ जितने संत महात्मा विराजमान हैं जी, सभी प्रणम्य हैं और सब लोग एक संयम का परिचय दें, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही कि अब साधु आपस में लड़ रहे हैं। ये लड़ाई का विषय नहीं है, ये लड़ाई का कोई विषय नहीं है, दूसरी बात का विषय है। जैसे महाराज जी बोल रहे हैं ना, ये तो नेताजी हैं, महाराज जी तो नेताजी हैं, नेतागिरी अच्छा करते हैं, मंच नहीं, मुझे हैं, कोई नेतागिरी का सब नहीं है। जानते हो रघुवीर जी, मैं आपको एक बताना चाहता हूं, निवेदन करना और यहां अच्छे ढंग से केवल यह परिचय दो कि भगवान श्री राम जी। एक मिनट, एक कवि की मुझे बात याद आई, आपकी बात संभव नहीं है। एक कवि की बात मुझे याद आई, किसी कवि ने लिखा था कि व्योम के नीचे खुला आवास मेरा, ग्रीष्म वर्षा शरद का अभ्यास मेरा, झेलता हूँ मार मारुत की निरंतर, खेलता हूँ जिंदगी का खेल हंसकर, फिर भी मैं प्रसन्न मन हूँ, क्यों मैं सुमन हूँ। मैं भी स्वामी जी निवेदन करना चाहता हूँ कि एक छांव के ऊपर फिर वे सबके सब सफल नहीं होते। अब यहाँ किसी विषय का दो बात यहाँ से और लूंगा बस, उसके बाद हम कार्यक्रम खत्म करने वाले। बोलिए क्या कह रहे हैं। देखिए भगवान राम का मंदिर बनना है, बहुत बढ़िया बनना है, और विश्व में नंबर एक का मंदिर हम बनाना चाहते हैं। निश्चित रूप से उस नंबर एक के मंदिर को बनाने के लिए एक पर्याप्त समय की आवश्यकता होगी, लेकिन
उस पर्याप्त समय में मान लो 2 साल 3 साल 4 साल जो भी लगते हैं, तो हम रामलला को टेंट में बैठा करके रखेंगे इतना लंबा 3 साल तक, जब तक विश्व का नंबर एक मंदिर नहीं बनेगा, ये उचित नहीं लगता। सर्वप्रथम रूप से प्राथमिक रूप से भगवान राम की जो मूर्ति है, जो इतने वर्षों से वो इस प्रकार से विराजमान है, उसका यथावत निर्माण होकर गर्भाचार्य जी कह रहे हैं, आप उसी बात को दोहरा रहे हैं। रुकिए, एक एक करके बोलिए, आप बोलिए क्या बोल रहे हैं बाबा। हम कहना चाहते हैं वह जो गर्भलला का स्थान है, जब से सूर्य और पृथ्वी है ब्रह्म का वही स्थान है, वहाँ महाप्रकाश का पुंज है, राम इसमें नहीं रहते, महाप्रकाश का पुंज है, इसलिए उनको जैसा हो कहिए। दूसरी बात है कि ट्रस्ट के लिए इन लोगों में कंपटीशन नहीं होना चाहिए, त्याग से ही सब काम बनता है, जिसमें त्याग नहीं वह राम का भक्त नहीं। अपना नाम तो भूल से भी कोई नहीं दे, सरकार जिसको सुनेगी एकदम त्याग पर रहिए, यही राम की सच्ची भक्ति। जहाँ रामलला विराजमान है, गर्भगृह पर वैकल्पिक व्यवस्था चाहिए, टेंट तुरंत हटना चाहिए। बहुत सही। और यह इस बात से सहमत हूं, यह जो निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, जिससे हनुमान की कृपा कहिए और कार्य सेवकों का बलिदान ही के कारण यह फैसला आया है, तो मैं चाहता हूँ कि यह सरकार उन कार्य सेवकों को सनातन धर्म रक्षक सेनानी घोषित करके उनको परिवार को सम्मानित करे, और साथ साथ अयोध्या को भारत की सांस्कृतिक राजधानी घोषित करें। अदालत ने 90 दिन का समय तय किया है। अदालत ने कहा कि 90 दिन के भीतर एक ट्रस्ट बनाए सरकार, और उसके बाद आगे की रूपरेखा वो ट्रस्ट तय करेगा। अब ये ट्रस्ट ही तय करेगा कि 90 दिन के फौरन बाद रामलला को कम से कम एक पक्का कमरा दे देना चाहते हैं और उसके बाद मंदिर का निर्माण होता रहे, या फिर जब तक पूरा भव्य मंदिर नहीं होता बन जाता तब तक रामलला को ऐसे ही रखना है, ये ट्रस्ट के ही लोग तय करेंगे, और कौन जानता है इन्हीं में से कुछ चेहरे उस ट्रस्ट का भी हिस्सा होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आज हमारे इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन खबरें दुनिया भर की देखते रहिएगा आज तक पर इस ब्रेक के बाद। सजी नगरिया है सारी, नाचे दावे नर नारी, सजी नगरिया है सारी, नाचे दावे नर नारी, खुशियां मनाओ गाओ जी मंगल चार, लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।